तो हाथ पे आते रहते हैं या उसके साथ इशारे दाने के बाद कबूतर मुर्गा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल पिजन्स में। तो फ्रेंड मैं छत पे आया हूं, वैसे भी छत पे ही आता हूं कोई बात नहीं। तो भाई एक कमेंट था, भाई जो मेरे कबूतर है वो सुस्त बैठे हैं। काफ़ी भाइयों का कमेंट है, भाई मेरे कबूतर सुस्त बैठे हैं, वो जोड़ा नहीं लग रहा है। तो इसी वीडियो आप दोस्तों के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को अभी से कर दे लाइक, क्योंकि अभी मेरे कबूतर सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं, सारे के सारे बंद है। बाकी सिर्फ मैंने चाइनी मुर्गियाँ खोली हुई है, लव बर्ड्स बंद है, बजीज बंद है, मुर्गियाँ बंद है, सिर्फ चाइनी मुर्गियों का लोफ खोला है, नीचे उनका लोफ बना है। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पर ग्रेवर कबूतर भी बंद है। फटाफट से क्या करते हैं, कबूतरों खोलते हैं, आप दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं कबूतर गर्म किस तरह करें। क्योंकि ये नुस्खा आप देसी नुस्खा है, इसके ऊपर मैंने पहले भी शायद वीडियो बनाई है, ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो लोफ्ट के अंदर, चाइनी मुर्गियाँ तो पीछे ही पड़ गई। चलो भागो यहाँ से, चलो चलो भागो यहाँ से, फटाफट से गेट को करते ओपन। आ जाओ भाई आ जाओ, बच्चे भी आ चुके हैं। देखो देखो मेरे कबूतर, माशाल्लाह। अब कोई भी कबूतर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, इसमें कुछ कबूतर शायद अभी भी मुझे नज़र आए हैं, कुछ कबूतर ढीले हैं। बाकी कबूतर के बच्चे आप देखिए कहाँ तक आ चुके हैं, गेट पे आ चुके हैं। माशाल्लाह सारे मेरे कबूतर हेल्दी एक्टिव है, क्योंकि वो कबूतर पर जिसके नीचे फैला के बैठा हुआ है, इसको बिल्ली काटे की वजह से पर टूट गया था। इसका मैं ट्रीट में काफ़ी रिकवर हो चुका है, मगर अभी ये पर से इस कबूतर इस पर से उड़ नहीं पाता है। तो ये मेरा अभी कबूतर जस्ट अभी खोल दिए कबूतर, सारे के सारे बच्चे भी बाहर आ चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है। अभी इसको हाथ में थोड़ा दाने के लिए आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरे कबूतर माशाल्लाह सारे हाथ पे आते हैं, इनको दाना वगैरह मैं हाथ पे ही देता हूँ, क्योंकि मेरा ये प्यार है कबूतरों के साथ, ये भाई लगाव कबूतरों के साथ है। तो इनका ट्रीटमेंट मैं करता रहता हूँ, अभी इनको दाना वगैरह नहीं देंगे, देर से देंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं पूरा अच्छा धूप ही धूप नज़र आ रही है। मैं अभी तक 11:30 का टाइम हो चुका, अभी मैं इन कबूतरों को खोल रहा हूँ। अबे छोड़ो तो सही, उतरो तो सही, नीचे हाथ पे आके बैठे हैं। अभी ये भी कबूतर बंद है, अभी तक इनको दाना वगैरह नहीं दिया है, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आप जितना हो सके कबूतरों को लेट से ही कबूतरों को खोलें। तो अभी ये कबूतर है, अब ये सामने बैठे हुए हैं। अभी आ जा ब्लैक कबूतर, आ जा आ जा आ जा। तो ब्लैक तो गया, आ जा आ जा आ जा आ जा। तो इसी तरह से कबूतर हाथ पे आते रहते हैं। बाकी कबूतर के बच्चे में सुबह की रूटीन होती है, सुबह आते ही कबूतर में देखता रहता हूँ। मेरे कबूतर इतने गर्म है, इसको मार मार के सर से थोड़ा सा ब्लेड वगैरह निकल चुका है। इसको फटाफट अपने डब्बे में रखते हैं, इसको अपने डब्बे में रख दिया, बाकी पता नहीं ये भी है, इसको अपने डब्बे में रखते हैं, डब्बे में चले जाओ, क्योंकि इतनी मेरे कबूतर गर्म है। कबूतर के बच्चों के ऊपर आपको पंख वगैरह, एक पंख भी आपको नज़र नहीं आएगा माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं, एक ही मेरे पास जोड़ा है फैंसी कबूतरों का, लके कबूतरों का, उनका एक बेबी है, ये बैठा हुआ है, काफ़ी हल्दी एक्टिव है, बिल्कुल कबूतर ही हो चुका है अभी। और दूसरा ये आप देख सकते हैं, इसको हाथ पे मैं फीड दे रहा हूँ, ये निकला था 2 दिन के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कबूतर की ब्रीड माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन चल रही है। यहाँ पर 2 जोड़े और एक जोड़ा ये जो अंडों पर आ चुका है, फाइनली अंडों पर आ चुका है। हाँ फिलहाल मैं कबूतर जोड़ा, मेरे कबूतर कोई भी सुस्त वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, बाकी माशाल्लाह सारे कबूतरों के बच्चे बाहर नज़र आ रहे हैं, ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मगर जो कबूतर सुस्त होता है, सुस्त कबूतर ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं दोस्त से बाहर, अभी उतरो सही मोबाइल से वीडियो शूट करनी, तो आज उतर जा। क्योंकि सुस्त कबूतर आपको क्या करना है, काली मिर्ची घर में होगी, अवेलेबल होगी काली मिर्ची, वो भी आप कबूतरों को दे सकते हो शाम के टाइम, सुबह के टाइम नहीं, ये काफ़ी गर्म होती है। उसके साथ आपके घर में लौंग वगैरह होगा तो वो भी आप उनको दे सकते हो, मगर सुबह के टाइम आपको नहीं देना है, शाम के टाइम देना है। दाना खाने के बाद कबूतर लोफ में चला जाए, उसका मुँह खोल के, इस तरह कबूतर का मुँह खोल के उसमें लौंग या काली मिर्ची डाल देनी है। काली मिर्ची से काफ़ी ज़्यादा, काली मिर्च गर्म भी होती है, उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे उनके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि ये नीचे जा वीडियो तो बनाने दे, काफ़ी उसके फ़ायदे वगैरह हैं। तो आपको क्या करना है, काली मिर्ची भी देनी है, या काली मिर्ची देनी है, या आपको एक लौंग देना है, क्योंकि दोनों साथ आप नहीं देखते, काफ़ी गर्म है। क्योंकि काली मिर्ची देने से कबूतर भी गर्म होएगा। मेरे कबूतर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मस्ती वगैरह मार रहे हैं। देखो कोई भी कबूतर आपको ढीला वगैरह महसूस नहीं होगा, सिर्फ मैंने एक कबूतर जो ब्लैक कबूतर हरे कबूतर का बच्चा है, ये शायद मुझे अभी भी ढीला नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक ही कबूतर ढीला नज़र आ रहा है। बाकी चाइनीज मुर्गियाँ कहाँ गई है भाई, क्यों भगा रहे उसको, क्यों भगाई चाइनीज मुर्गी आ गई। चल निकल जा, चल 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 जा, चल जा, चल ले चल, यहाँ जा, चल चल चल, यहाँ पर आगे फंस गई। अगर आपकी प्रॉपर उनकी देखभाल कबूतरें आपकी होगी, तो आपका कबूतर कोई भी ढीला वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, माशाल्लाह सारे कबूतर हेल्दी एक्टिव नज़र आएंगे। बाकी इनका दाने का टाइम हो चुका है, इसलिए कबूतर काफ़ी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। पहले वीडियो तो बनाने दो, क्या कर रहे हो, उतर जाओ, ये गलत बात हुई, वीडियो बनाने के बाद मैं आपको दाना दूंगा, चलो नीचे जाओ। आपको लौंग, एक लौंग लेना है,
वो शाम के टाइम। अगर काली मिर्ची लौंग हमारे घर में अवेलेबल होंगे, घर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो घर में वो चीज़ें होंगी जो हम घर में खाने वगैरह में इस्तेमाल करते रहते हैं, वो चीज़ में अब हमारे घर में होगी। मोबाइल ऊपर बैठ गया, तो आपको क्या करना है, शाम के दाने के बाद कबूतर को शाम जब लोग बंद करना हो तो आप काली मिर्ची या एक आप लौंग दे सकते हो, जिससे आपका कबूतर जो भी स्वस्थ वगैरह आपको नजर आएगा वो माशाल्लाह से हेल्दी एक तो गुड़कना स्टार्ट कर देगा। और कबूतर जो भी स्वस्थ वगैरह होते हैं उनमें एक ही मसला आता है, कबूतर में गले वगैरह ख़राब हो जाते हैं, गले ख़राब होने की वजह से कबूतर सुस्त हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मुंह खोल के देना, अगर नज़ला ज़ुकाम है तो भी कबूतर सुस्त हो सकते हैं, उसमें काली मिर्ची आपकी मदद नहीं करेगी। इसलिए आपको क्या करना है, अबे छोड़ दे, आपको क्या करना है, काली मिर्ची है तो उसमें फ़ायदा नहीं करेगी, तो आपको क्या करना है, एथ्रोसिन गोली जो गले के रेशे वगैरह बन जाता है, इस वजह से कबूतर मोबाइल के ऊपर जाए, यार मोबाइल के ऊपर क्यों बैठे रहते हैं, तो एथ्रोसिन गोली है वो आपको क्या करना है, देनी है चौथा ऐसा गोली के चौथा ऐसा देना है, सुबह शाम टाइम उसका पाउडर वगैरह बना के मुंह खोल के उसके गले में डाल देनी है। अगर उसमें आपको रेशा वगैरह नज़र आ रहा है या उसमें जहरबाद है तो आपको उसको साफ करना है, कबूतर पूंछ का आपको पंख वगैरह ले लेना, उसको सरसों के ऑयल में डुबो के आपको क्या करना है, उसका मुंह खोल के उसको अंदर डाल के इस तरह घुमा के दोबारा से निकाल के आपको एथ्रोसिन गोली का चौथा ऐसा सुबह दे देना है। उसके बाद उसकी सफाई आपको नहीं करनी है, शाम के टाइम वो एथ्रोसिन गोली लेनी है। तीन दिन तक आपका कबूतर इस तरह से दोगे, नज़ला ज़ुकाम होगा या गला ख़राब होगा तो अभी नीचे उतर जाए वीडियो बना दे, नज़ला ज़ुकाम होगा तो भी आपका कबूतर माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव हो जाएगा, उसको कोई भी मसला नहीं होगा, कबूतर को बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको कबूतर को काली मिर्ची दे सकते हो, या काली मिर्ची आपको देनी है या आपको लौंग देना है शाम के टाइम दाने बहाने के बाद, क्योंकि सुबह के टाइम ये काफ़ी गर्म होती है, हो सकता है कबूतर नुकसान हो जाए, इसके से आपको शाम को देनी है। जिस तरह मेरे कबूतर हेल्दी एक्टिव है, गुड़क रहे हैं, ठापे शापे मारे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, इसमें कोई भी कबूतर बच्चे जो है वो भी आपको हेल्दी एक्टिव नज़र आएंगे, काफ़ी 20 दिन के बच्चे हैं वो भी हेल्दी एक्टिव नज़र आएंगे, क्योंकि इस तरह से कबूतर गुड़कते रहेंगे। एक ही कबूतर ये मुझे ढीला नज़र आया जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसके भी गले का मसला हो रहा है, पंख चूंच के ऊपर लगा हुआ, शायद नज़ला ज़ुकाम है, तो इसको एथ्रोसिन फटाफट से गोली देंगे, हो सकता है इसकी वजह से बाकी कबूतरों में मसला आ सकता है। अगर आपके कबूतर जोड़ों में लगे हुए हैं फिर भी मस्ती वगैरह नहीं करे तो आपको काली मिर्ची या लौंग शाम के टाइम दाने खाने के बाद उनको बंद करना है, तभी बंद करके आपको कबूतर को निकाल के आप काली मिर्ची एक देख सकते हो, काली मिर्ची अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो आप उनको लौंग भी दे सकते हो, इससे क्या होगा कबूतर आपका मस्ती मारेगा, घुड़केगा, ठापे शापे मारेगा, आपको फील होगा दो दिन के अंदर आपको फील होगा ये कबूतर वाकई ही में मस्ती मार रहा है। इसी तरह से जो मैं अपने कबूतरों के लिए इस्तेमाल करता हूँ वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट आपके सामने मेरे कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं, सब बिल्कुल ठापे शापे मार रहे हैं, अभी इनको दाना देता हूँ तो आप देख सकते हो इतनी ठापे शापे मारते हैं, बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मैं उठूँगा तो एकदम से मेरे ऊपर ही आ जाएंगे, क्योंकि हाथ पे इनको टैंग वगैरह कह रहा हूँ, क्योंकि प्यार से दाना वगैरह देता हूँ, तो इस तरह से मेरे सारे के सारे माशाल्लाह से कबूतर हेल्दी एक्टिव है, गुड़क रहे हैं, मस्ती ठापे शापे मारते रहते हैं। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है, काली मिर्ची या लौंग आपको शाम के टाइम देना है, और दाना पानी इनका थोड़ा बाजरा देना है, चने सर्दियों में चने लाजमी कबूतर में इस्तेमाल करो, और कबूतर को लेर से ही खोला करो, क्योंकि सर्दी वगैरह के मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से कबूतर नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, इसलिए उसको बंद रखें और लेर से कबूतर खोलेंगे तो आपका कबूतर कोई सुस्त नहीं होगा। जिस तरह ये कबूतर मेरे ठापे शापे मारे, कोई फैंसी कबूतर हो, गरेबाज हो, कोई भी कबूतर हो, आपको ढीला नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनको प्रॉपर मैं इनको फीड देता हूँ, डाइट देता हूँ। अगर घर आपके घर में बुखार की कोई भी ब्रोफेन कोई भी सिरप हो तो इनको 2-3 ढक्कन आप पानी 1 लीटर में पानी में मिला के दे सकते हो, इनमें कबूतरों में बुखार वगैरह नहीं होगा। जब भी कबूतर गला वगैरह ख़राब हो तो एथ्रोसिन गोली आपको उसी टाइम दे देनी है, इससे कबूतर आपका ढीला नहीं होगा। अगर कबूतर गला ख़राब होगा, दाना पानी नहीं खाएगा, तो आस्ता आस्ता होकर 10-12 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नई टॉपिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।